गाइस, वेलकम बैक माय चैनल समीर सुफियान। तो आज हम गाइस आपको दिखाएंगे बजाज डिस्कवर का इंजन ऑयल चेंज कैसे करते हैं। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में, दिखाते हैं आगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख रही है बजाज डिस्कवर, जिसका मैंने और बहुत सारा काम किया है, बट मैं वीडियो दिखा नहीं इसलिए क्योंकि थोड़ा मेरा जो है ना, अकेले हूँ ना यार, वीडियो बनाऊँ कैसे भाई। तो मैंने आगे का ये काम किया, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, अभी दिखा रहा हूँ जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो दिखा रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इसके नट जो है मोबिल का यहाँ पे है, ठीक है, ऑयल चेंज करने के लिए नट यहाँ पे है, ऑयल का नट। तो हम इसको खोलेंगे, इसके लिए लगेगा हमारा ये 19 और 18 का पाना। तो हम खोलेंगे इस रिंच से, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिंच लग गया 18 का, ठीक है ना। तो मैंने इसको खोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे बने रहे, वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये लूज कर रहा हूँ, ये लूज हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ लगाना है एक बर्तन जो ऑयल चेंज करने के लिए। तो मैं लगाऊंगा ये बर्तन यहाँ पे, और दिखाता हूँ आपको वीडियो। आप चेंज अपने से भी कर सकते हैं, तो कभी भी आपके पास अगर बजाज का डिस्कवर है तो आप यहीं पे इंजन नट रहेगा, ठीक है, इसको खोल लेना है। तो जैसे देख रहे हैं ऑयल गिरना चालू हो गया है, और उसके बाद एक इसके अंदर में ये होता है ऑयल फिल्टर, जो गंदा ऑयल होता है उसको निकालने के लिए। तो इसको मैं खींचूँगा ये प्लास से, ठीक है गाइस, तो मैं इसको खींचूँगा ये प्लास से, ये ईजीली निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मोबिल चूड़ा है। तो गाइस यही था, बस इतना ही, ये नट चेंज खोल लेना है, उसके बाद ये ऑयल इसका निकल चुका है। उसके बाद ये निकल चुका है इसका ऑयल, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं इसमें दिखाऊंगा, ठीक है, ऑयल जो है काफी डैमेज हो चुका है। तो आप अपना मोबिल, कभी भी आप, अगर आपका मोबिल ख़राब हो जाए तो आप पता कैसे कर सकते हैं खुद से कि आपका मोबिल ख़राब हो गया है कि नहीं। तो आप जैसे उंगली में लेंगे इसको, तो ये समथिंग इसका जो है 3000 किलोमीटर चल गया ये ऑयल, तो उसको याद था जो गाड़ी ओनर है। और आप डालने से पहले अपना फिक्स करके मीटर देख ले कि कितने में चेंज किया, ठीक है, ऐसे पता नहीं चल पाता, बट आदमी ऐसे देखता है, बोलता है ये देखो मोबिल आपका ख़राब हो चुका है, या ऐसे कलर का पता नहीं चलता, ठीक है। ऐसे हाथ में लेने से ये ज़्यादा इसका जो ऑयलीपन होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल एकदम पानी के तरह हो चुका है ये, फीका पतला, ठीक है। तो दिखाते हैं बाकी चेंज करके आपको, बने रहे वीडियो में। तो बस इतना ही मोबिल निकला है। तो गाइस ये निकल चुका है पूरा ऑयल, अब मैं लगाऊंगा इसको, थोड़ा पेट्रोल से इसको साफ कर ले, उसके बाद लगा। मैं इसको अभी साफ कर लिया हूँ, और उसके बाद ये लगा रहा हूँ मैं, ये देखना कि पूरा बैठा है कि नहीं। नहीं बैठने से इसको पिलास लेके, थोड़ा सा पिलास लेके बस हल्का सा, इजीली बैठ जाता है, बट थोड़ा सा अंदर में दिक्कत करता कभी कभी। तो इसको जो है ना अच्छे से बैठा ले, ताकि बैठ जाएगा तो आराम से लग जाएगा। ये बैठ चुका है, अब मैं लगाऊंगा इसको। तो ये नट लगाना है, इसके बाद नट लगाने के बाद फिर दिखाऊंगा आपको कि ऑयल डालने का उधर से, ठीक है ना। तो बस इस नट को टाइट कर लेना है, पहले हाथ से ही टाइट करें, ये इजीली हाथ से चले जाएगा, उसके बाद रिंच लेके टाइट करना है। तो गाइस दिखा रहा हूँ आपको, तो उसके बाद जो है, कहाँ गया मेरा रिंच, ये रहा मेरा रिंच। तो बस इस रिंच से इसको आराम से टाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम का गुना होता है जो काफ़ी जल्दी स्लिप हो जाता है। तो गाइस बस आगे बने रहे, वीडियो में दिखा रहा हूँ मोबिल चेंज करते हैं, मैं कौन सा मोबिल डाल रहा हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस ये आप देख रहे हैं, ये है मेरा मोबिल ऑयल चेंज करने वाला नट। इसको पहले साफ कर लेना कपड़े से, ताकि ये वाले गंदे जो होते हैं अंदर ना जाए, और उसके बाद ये चेंज करूँगा मैं इसको, और उसके बाद ये पिलास से खोले, क्योंकि टाइट होता है थोड़ा, ऐसे खुलेगा नहीं। तो मैं ये खोल रहा हूँ, और इसके बाद इसको साफ कर ले कचड़े को, ताकि ये अंदर ना जाए, थोड़ा साफ सफाई वाला काम होता है, तो गाड़ी ओनर को
अच्छा लगता है। देखो मैं चकाचक कर दिया हूँ, अब डालूंगा इसमें ऑयल। तो जैसे कि हम डालेंगे ये ऑयल जो उनका एक्टिव है, हम इसको डालेंगे जो 20W40 है, ठीक है। 1 लीटर का मोबिल लगता है इसमें, तो हम डालेंगे ये वाला मोबिल। तो गाइस मैं डाल रहा हूँ इसका ब्लड, इसमें डालूंगा ब्लड, तब ये करेगा ग्लो अंदर से। तो गाइस मेरे पास जो है ना वो इसका टिप मिल नहीं रहा है, वायर डालने वाला टिप, तो मैं डालूंगा ऐसे ही। इतना खूबसूरत मोबिल है भाई, मन करता फील हूँ भाई। यार देखो इतना कलर कितना खूबसूरत है भाई इसका, बिल्कुल खतरनाक कलर है भाई। देखो कितने खूबसूरत कलर है भाई। ये मैं डाल दिया हूँ, कॉन्फिडेंस हो गया भाई डाल डाल के, इसलिए मैं डाल दिया हूँ। तो पूरी ऑयल डाल देना है, बस ये डल चुका है पूरी ऑयल, अब जनाब हो जाएंगे खुश। तो गाइस ये डाल दिया हूँ पूरा ऑयल, उसके बाद ये फुंतरू लगाना है उसमें, फुंतरू जैसे कि फुंतरू इसका नाम है, तो ये फुंतरू है, ये वाला फुंतरू लगाना है इसमें। सॉरी यार इसको जो है ना मोबिल गेज बोला जाता है, मैं ऐसे मजाक कर रहा भाई। तो मैं फुंतरू को टाइट कर देता हूँ पूरा, ताकि ये कोई खोल ना पाए, क्योंकि बच्चा सब होता है ना गाड़ी का अक्सर खोल लेता भाई। तो इसको साफ कर देना थोड़ा, बस ये इतना ही है गाइस। तो बस इतना ही काम है ऑयल चेंज करने के लिए।